तो आज मैं इसका रिव्यू करूँगी, हल्दी चंदन फेशियल, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं जिन पे ये लगाऊँगी, मैं अपने फेस पर नहीं लगा के देख रही हूँ, क्योंकि एक जन पे करना है, तो उन पे मैं जब करूँगी तो उन्होंने फेस दिखाने से मना किया है, तो मैं बस साइड से थोड़ा सा कोशिश करूँगी, क्योंकि किसी ने मना किया है तो हम नहीं दिखा सकते, तो इस वजह से तो आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए इसका ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए, ओके। इसको निकालने के बाद इसमें मिलते हैं, देखिए आपको दिखाऊं मैं, तो आप इसमें क्या क्या इसमें क्या? आपको दिखाती हूँ एक एक करके, मैं दिखाऊंगी स्क्रब सब लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, ये बता रहा है कि डिटेनिंग का ये है, इसमें कितने स्टेप हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं, 4 और 5, तो 5 स्टेप है। तो चलिए करते हैं किस करके, और जो है यहाँ पे लेटी हुई है तो मैं चेहरा नहीं दिखा सकती इनका, ओके। फर्स्ट स्टेप, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इसकी बुराई कर लेती हूँ, तो मुझे ना सबका कलर सेम लगा, तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों, सीरम को छोड़ के। और इसकी अच्छी बात बताऊँ तो इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, हो सकता है आपको लगे ना लगे, लेकिन मुझे अच्छी लगी। और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कम है इसका, 199 है, मतलब 200 के अंदर आपको मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर आप चाहते हैं घर में करना, और अगर आपके चेहरे पर डस्ट है, मतलब गंदगी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और एक बहुत मामूली सा एक शाइनिंग आएगा, ग्लो नहीं आएगा अचानक, और टैन एक दिन में रिमूव नहीं करता है, शायद उसके लिए आपको महीने महीने यूज़ करना पड़े, या महीने में 2 बार यूज़ करना पड़े, ये है। अगर आपको अचानक ग्लो चाहिए एकदम अच्छा, तो उसके लिए आपको दूसरे किसी फेशियल किट पे जाना पड़ेगा, ये वाला तो नहीं काम आएगा, लेकिन कम पैसे के लिए ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट ओके था, मैंने दूसरे दिन देखा तो चेहरा क्लीन नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टैन था वो ख़त्म हो गया हो, तो टैन के लिए आपको टाइम लगेगा, शायद आपको हर महीने करके देखना पड़ेगा, मैंने एक ही बार किया था, तो यही रिव्यू था। तो मेरे हिसाब से ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते, नहीं भी कर सकते, आपकी